तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल इरेमेबल आर्टिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइज़ आज मैं जाऊंगा ये एंटोर की सर्विस करवाने। मैं बेसिकली एक ये टीवीएस एंटोर मैंने ली थी 2019 में, तो मैं इसका आपको थोड़ा रिव्यूज़ भी बता देता हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगी है चलाने में, ओवरऑल बहुत पावरफुल गाड़ी है, 125 सीसी की गाड़ी है और 5 साल हो गए हैं मुझे, इसमें कोई कमी नहीं लगी है इसका। बहुत से लोग कहते हैं मेंटेनेंस है हाई है, लेकिन अगर आप इस टाइप की गाड़ियाँ लेंगे टीवीएस एंटोर की तो उसका मेंटेनेंस ऑब्वियसली हाई होगा, वो फिर उतनी पावरफुल भी है। इसकी जो इसका जो पिकअप है वो काफ़ी हाई है, एवरेज एज़ कम्पेयर टू एक्टिवा और अदर जो टू व्हीलर स्कूटीज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छा है और मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। मैं इसमें रैपिडो में नहीं चलाता हूँ क्योंकि काफ़ी एवरेज जो है उतना नहीं होगा जितना स्प्लेंडर का है, लेकिन ये है कि वैसे ये डे टू आप अगर वैसे अपने घर के लिए लेना चाहें तो बहुत अच्छी है। वैसे मेरी वाइफ चलाते हैं ये गाड़ी और मुझे तो यह बहुत अच्छी लगी है। अब मैं इसकी सर्विस कराने जा रहा हूँ और मैं इस बार थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि इस बार मैंने 29,000 किलोमीटर्स पे कराई थी या 30,000 पे कराई थी, तो मुझे लग रहा है शायद थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, तो हो सकता है थोड़ा इंजन ऑयल इसका काला पड़ गया हो। अब मैं उन्हीं भैया पे जाऊँगा जहाँ पे मैंने अपनी स्प्लेंडर का आपको दिखाया था रिव्यू कराने के लिए, और अब देखते हैं लेट्स गो। मुझे गलियों से जाना बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस जो भैया की शॉप है उसके पास मैं बस लगभग पहुंच ही गया हूँ। ये जो अगला लेफ्ट है यहाँ से मैं लेफ़्ट ले रहा हूँ और ये रही भैया की शॉप। अब देखते हैं सर्विस करवा कर कैसा रखता है फिर। तो गाइस फ़िल्टर की सफाई हो रही है, भैया कह रहे हैं कि नेक्स्ट सर्विस तक फ़िल्टर चल जाएगा, तो अभी फ़िल्टर की सफाई कर रहे हैं। भैया कह रहे थे कि थोड़ा सा पेट्रोल निकाल लेते हैं क्योंकि फ़िल्टर थोड़ा गंदा हो रहा है, उससे अच्छा साफ हो जाएगा। ये भी है आपके पास इसका, ये जो हाथ में वो सपोर्ट वाला, ये वाला सेम वाला नहीं है, दूसरा वाला तो वो हो जाता है ना खराब, ये ज़्यादा सही लगता है। तू मंगा तो आज जाऊंगा ना, पर वो हमसे लगता नहीं है ना। ये आप किसके लिए कर रहे हो, ब्रेक शू? हाँ ब्रेक शू बदल लेगा ना पीछे का, तो पूरा पहले शायद दोस्त लाया था लेकर आया था तब। सीट कवर बढ़िया वाला है भैया, 200 का है अभी पड़ा है अभी। हाँ तो वो भी कर देना क्योंकि मुझे लग रहा है ये पानी वानी चला जाएगा इसके अंदर। पूरा टायर ही खोलना पड़ता है इसके लिए। ये घिस गए पूरा। आप तो कह रहे थे ब्रेक पैड होते हैं, वो आगे होते हैं, वो आगे डिस्प्ले टाइप होते हैं। ये ओरिजिनल वाले हैं ना 200 वाले। तो गाइस भैया एक बार चला के देख रहे हैं कि ब्रेक इसके कैसे हैं। आगे का भी टाइट करना होगा या क्या होगा? बदलने की जरूरत है कि नहीं? Few moments later. 12 seconds later. कौन सा इसमें कौन सा डालना सही रहता है भैया? 10-30 या 20-40? 10-30 कौन सा कैस्ट्रोल है? मोटुल मोटुल
मोटुल है क्या? मोटुल ज़्यादा सही रहता है वैसे तो, या कैस्ट्रोल कर दें? कैस्ट्रोल चलो, आप कैस्ट्रोल डालो। शायद हाँ आगे का नहीं था, पीछे बोल गया क्या? अभी है, अभी चलेगा। ट्यूबलेस में तो क्या दिक्कत नहीं है। एक बार दिखा देना कितना काला है। हो गया, निकल गया पूरा। ये देखिए गाइस कितना काला इंजन ऑयल। इसमें स्टिकर लगा के हट सकते हो, बहुत ज़्यादा निशान हो रहे हैं ना। एक बार धो के पता लगेगा कि कहाँ कहाँ कितने निशान है। इसमें तो आप कवर डाल ही रहो, सीट कवर। तो कितना खर्चा आ जाएगा मेरा टोटल? थोड़ा और खड़ा ये करवाऊंगा। ये देखो ना, ये डंडी है, बहुत ज़्यादा ही दिखने लग गए। पूरा ढक देंगे ना इसे। गाइस ये देखिए स्क्रैचेस, नेक्स्ट टाइम मैं स्क्रैचेस भी ठीक करवाऊंगा। ये रेसिंग गाड़ी है जैसे, तो 20-40 ठीक रहता है, 10-30 ही ठीक है ना? 10-30 ठीक है, इसके लिए 20-40 भी डाल सकते हैं ऐसी वाली। पर ये कम चलती है इस वजह से। 20-40 भी डाल सकते हैं ऐसी वाली। तो 20-40 डालो कोई दिक्कत नहीं, पूरे डलता है ना इसमें, पूरे डब्बे डल जाएगा। एक्टिवा में कम डलता है? एक्टिवा कम डलता है। ये इस रंग का होता है बताओ, काला पड़ जाता है बाद में। तो गाइस भैया राउंड लेकर आ गए हैं और भैया कह रहे हैं मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने में। हाँ, और कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इसमें टायर कितने डलते हैं भैया, क्या साइज डलता है? 12 नंबर। तो गाइस गाड़ी अभी सूखने के लिए रखी है, उसके बाद इसमें पॉलिश की जाएगी। अरे चलान कट गया मिश्रा जी। इसकी खुशबू बहुत तेज होगी ना, तभी आप लगाते होगे। बड़ा अजीब सा लगता है घर जाके। अभी सीट कवर भी लगेगा ना। तो गाइस गाड़ी हो चुकी है, इसमें कवर भी लगा दिया मैंने, सीट कवर भी, ब्रेक शू बदला है पीछे का, पूरा चमक गई है।